वेलकम दोस्तों, मेरा नाम विकास और आप देख रहे हैं VIP टैग चौ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरीके का एक 4K वाला फुल स्क्रीन स्टेटस वीडियो क्रिएट करना सीखेंगे, जो कि एक ट्रेंडिंग सॉन्ग पे है। तो अगर आप लोग भी कुछ इस तरीके का एक बढ़िया सा ट्रेंडिंग सॉन्ग पे एक बढ़िया सा फुल स्क्रीन वाला स्टेटस वीडियो अपनी फोटोज़ को लगाकर अपने मोबाइल फोन से क्रिएट करना चाहते हो, तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, और पूरा देखना, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और तभी आप बहुत ही आसानी से इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट कर पाओगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अभी तक आप लोगों ने अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मेरी कोई एक नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए हमको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है एलाइट मोशन। अगर आप सबके पास ये वाला एप्लीकेशन नहीं है तो ये वाला जो एप्लीकेशन है ये आप सबको मेरे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। उधर से जाके आप लोग इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा, और जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आप सबको मेरे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाके इसको फटाफट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद अभी आप लोग जो मेरा ये वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दो लिंक और दिया रहेगा। तो सबसे पहले मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके आपको दिखाता हूँ कुछ। यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स कुछ इस तरीके से रहेगा। तो थोड़ा सा नीचे की साइड में आप लोग स्क्रॉल करके आना, यहाँ पर आप सबको कुछ देखने को मिल जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। फर्स्ट वाला जो रहेगा वो बीट मार्क प्रोजेक्ट के नाम से रहेगा, और सेकंड वाला जो लिंक रहेगा वो सेक प्रेसेंट लिंक के नाम से रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बीट मार्क प्रोजेक्ट लिंक पे ऐसे क्लिक करेंगे और ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कोई भी एक ब्राउजर को सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने क्रोम ब्राउजर को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं और ये डायरेक्ट हमारे एलाइट मोशन में वेरीफाइंग लिंक करेगा और कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। 0 से 100% तक प्रोसेस लेता है। उसके बाद डायरेक्ट हमारे एलाइट मोशन में ये जो प्रोजेक्ट है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से प्रोसेस ले रहा है। तो गाइस, हमारा जो प्रोजेक्ट है कुछ इस तरीके से ओपन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से हमारा प्रोजेक्ट रहेगा। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे सारा बीट मार्क दिया गया है, रेड कलर का जो बीट मार्क दिया गया है, इसी में हम लोग फोटोज़ को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल जीरो पे। यहाँ पर आने के बाद हम लोग प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ मीडिया पर क्लिक करेंगे और अपना उस वाले फोल्डर को इधर सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा सारा मटेरियल है। तो सबसे पहले मैं उस वाले फोल्डर को इधर से सिलेक्ट करता हूँ जिसमें मेरा लिरिक्स वाला वीडियो है। तो यहाँ पे मैं उस वाले फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया हूँ और इधर से मैं उस लिरिक्स वाले वीडियो को ऐड कर लूँगा, जो कि कुछ इस तरीके से रहेगा। ये इसको आप लोग जब ऐड करोगे तो ये डायरेक्ट फुल स्क्रीन में कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो चुका है और ये डायरेक्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके से 17.14 सेकेंड तक अपने आप अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद उसके आगे से हम लोग क्या करेंगे, आप लोग 17.14 सेकंड पे आ जाना और यहाँ प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना और मीडिया पे क्लिक कर लेना। उसके बाद आप लोग अपने उस वाले फोल्डर को सिलेक्ट करना जिसमें आपका सारा मटेरियल है। तो इधर से मैं कोई भी एक फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें मेरा सारा मटेरियल रखा हुआ। तो इधर से मैंने उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया है और अपनी फर्स्ट वाली फ़ोटो को इधर से सिलेक्ट कर दूँगा। एक कोई भी फ़ोटो को मैं इधर से ऐड कर लेता हूँ, 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट फोटो स्क्रीन में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको एडजस्ट करने के बाद नेक्स्ट वाले बीट मार्क पे आ जाएंगे और फोटो का एक्स्ट्रा पार्ट इधर से कट कर देंगे। उसके बाद फिर से हम लोग प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और मीडिया पे क्लिक करेंगे, अपनी सेकंड वाली फोटो को इधर से ऐड करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले बीट मार्क पर आएंगे और फोटो का एक्स्ट्रा पार्ट इधर से कट कर देंगे। तो सेम इसी तरीके से फिर से हम लोग प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर जाएंगे और इधर से तीसरी फोटो को हम लोग ऐड करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाले बीट मार्क पे आएंगे और फोटो का एक्स्ट्रा पार्ट इधर से कट कर देंगे। तो सेम इसी तरीके से गाइस, जितना भी यहाँ पे बीट मार्क दिख रहा है इन सभी में एक एक करके सारी फोटोज़ को सबसे पहले हम लोग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद आगे दिखाता हूँ कि क्या करना है। तो गाइस, यहाँ पर मैंने सारी फोटोज़ को एक एक करके कुछ इस तरीके से ऐड कर लिया। जितना भी यहाँ पर मैंने बीट मार्क दे रखा था सभी में, सारी फोटोज़ को मैंने लास्ट तक बिल्कुल ऐड कर लिया कुछ इस तरीके से।
तो सेम इसी तरीके से आप लोग भी फोटोज़ को सबसे पहले ऐड कर लेना। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे स्टार्टिंग में, जहाँ से हमारा यह फोटोज़ आना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं 17.14 सेकंड पे, और यहाँ पे आने के बाद प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और मीडिया पे क्लिक करेंगे और अपने फोल्डर से एक पीएनजी को ऐड कर लेंगे, जो कि ये वाला रहेगा, नेम वाला, कृति जी का नेम वाला पीएनजी रहेगा। इसको ऐड कर लेना, उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना और इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेना। इसको छोटा करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना फर्स्ट वाले पे और इसको थोड़ा सा नीचे की साइड में ले आना और नीचे की साइड में यहाँ पे सेट कर देना, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको सेट करेंगे, उसके बाद कहीं भी इसे स्क्रीन में टच करना, उसके बाद बिल्कुल लास्ट में आ जाना। वीडियो के लास्ट में आने के बाद इसी लोगो वाली पीएनजी पे क्लिक करना और यहाँ सेकंड नंबर पे कार सेट मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना, तो ये डायरेक्ट पूरे वीडियो में अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा लोगो, नेम वाला लोगो पीएनजी, ये सही से यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से शो करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में आएंगे, जहाँ से हमारा फर्स्ट फोटो आना स्टार्ट होता है। उसके बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे, सॉरी मीडिया पे नहीं, सेव पे क्लिक करेंगे हम लोग। सेव पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ से इस वाले सेव को लेना। इस वाले सेव को लेने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और ये वाला कलर सेलेक्ट करना, ठीक है। आप लोग इस पे एक बार ऐसे टैप करना, उसके बाद इस कार सेट को ऐसे नीचे कर देना और ऊपर वाले को कुछ इस तरीके से घुमा के यहाँ पे कर देना, ठीक है। कुछ इतने पे कर देंगे और इसको यहाँ पे बीच में कर देंगे कुछ इतने पे, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद अभी आप लोग ये जो वाइट वाला कलर है इस पर क्लिक करना, इसको ब्लैक कर देना और ये जो ब्लैक वाला कलर है इधर वाले को ऐसे सिलेक्ट करना और यहाँ पे क्लिक करना और इसको बिल्कुल नीचे कर देना कुछ इस तरीके से। ऐसे करने के बाद अभी आप लोग मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना और इसको थोड़ा सा नीचे की साइड में कुछ इस तरीके से लेके आना, कुछ इतने पे आप लोग सेट कर लेना। इसको सेट करने के बाद इस पर प्रेस करके रखना और इसको नीचे की साइड में ये जो लोगो हम लोगों ने सबसे पहले ऐड किया था अभी, उसके नीचे में लाके छोड़ देना। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में आ जाना और इसी पीएनजी पे क्लिक करना, शैडो पीएनजी पे जो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया है, और सेकंड वाले कार सेट पे क्लिक कर देना, तो डायरेक्ट पूरे वीडियो में अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं कि हमारा जो लोगो वाला, नेम वाला पीएनजी कितने अच्छे से शो हो रहा है। ऐसे करने के बाद गाइस अभी हम लोग फोटोज़ में इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। फोटोज़ में इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए अभी हम लोग सेकंड वाली लिंक को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को कुछ इस तरीके से ओपन कर लेता हूँ, जो कि ये रहा, और यहाँ पे सेक प्रेसेट लिंक वाली पे क्लिक करेंगे और ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक ब्राउजर को सिलेक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को सिलेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद डायरेक्ट ये एलाइट मोशन में कुछ इस तरीके से वेरीफाइंग लिंक करेगा। उसके बाद इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। ये 0 से 100% तक का प्रोसेस लेता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, ये यहाँ पे प्रोसेस ले रहा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो सेक वाला प्रोजेक्ट है वो भी ओपन हो चुका है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे दो फोटोज़ आप सबको देखने को मिल जाएंगी, तो यहाँ पे दोनों फोटोज़ में अलग अलग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाली फोटो पे ऐसे क्लिक करेंगे, इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग पैक करेंगे और प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। प्रोजेक्ट में आने के बाद हम लोग अपना मेन वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे, जिस पर हम लोग एडिटिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको ओपन करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे, जहां से हमारी फर्स्ट वाली फोटो आना स्टार्ट होती है। और यहां पे आने के बाद हम लोग फर्स्ट वाली फोटो को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से पेस्ट करने के बाद अभी आपको थोड़ा सा आगे की तरफ आना है और ये जो सेकंड वाली फोटो आती है इसको आपको छोड़ देना है और तीसरी फोटो को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट पे जाना है, थ्री डॉट पे जाना है, पेस्ट कर देना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे सेकंड वाली फोटो को छोड़ देंगे और यहाँ पे ये वाली फोटो को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर से ये वाली एक फोटो को छोड़ेंगे और दूसरी फोटो को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। और फिर यहाँ पे दूसरी फोटो को छोड़ देना और तीसरी फोटो को ऐसे सिलेक्ट करना, इफेक्ट पे जाना और थ्री डॉट पे जाके पेस्ट कर देना। तो सेम कुछ इसी तरीके से दोस्तों कंटिन्यूसली आपको पूरे वीडियो में लास्ट तक में एक फ़ोटो को आपको छोड़ना है और दूसरी फोटो को सिलेक्ट करके पेस्ट करते जाना है बिल्कुल लास्ट तक में, ठीक है। तो फर्स्ट वाले इफेक्ट को आप लोग कुछ इस तरीके से पेस्ट कर लेना। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ से पैक करेंगे और फिर से सेक वाले प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पर सेकेंड वाली फ़ोटो को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पर जाएंगे, थ्री डॉट पर जाएंगे, कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से पैक करेंगे और अपने मेन वाले प्रोजेक्ट को इधर से ओपन करेंगे, जिस पे हम लोग एडिटिंग कर रहे थे। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ से हमारी फर्स्ट वाली फोटो आना स्टार्ट होती है। तो हम लोग फर्स्ट वाली फोटो में इफेक्ट को अप्लाई कर दिए, उसके बाद सेकंड वाली फोटो को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। और ऐसे ही यहाँ पे जो हम लोगों ने बीच बीच में एक एक फोटो को छोड़ा था उनको आपको सेलेक्ट करना है, इफेक्ट पे जाना है, थ्री डॉट पे जाना है, पेस्ट कर देना है। तो गाइस जितना भी फोटो अभी बचता है उनमें आप लोग इस सेकंड वाले इफेक्ट को अप्लाई कर देना है, इसमें ज़्यादा इफेक्ट को अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे दो फोटो हैं, दोनों फोटोज़ में आपको फर्स्ट और सेकंड फोटोज़ को कंटिन्यूसली
बराबर से ऐड कर देना है। तो फर्स्ट वाले में फर्स्ट फोटो का इफेक्ट, सेकंड वाले में सेकंड फोटो का, तो आप लोग पूरे में ऐसे कर लेना। उसके बाद गाइस हमारा जो स्टेटस है, हमारा जो वीडियो है कम्प्लीटली बनकर रेडी हो जाएगा। तो अभी इस वीडियो को हम लोग सेव कर लेंगे अपनी गैलरी में। वीडियो को गैलरी में सेव करने के लिए आप सबको राइट साइड में ऊपर की तरफ कॉर्नर में एक एरो का तीर का आइकन मिल जाएगा, इस पर आप लोग क्लिक करना और यहाँ पर वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और इधर से आप लोग एक्सपोर्ट रेजुलेशन एक सिलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से, जिस भी क्वालिटी में आप लोग वीडियो को सेव करना चाहते हो। यहाँ से मैं कोई भी एक क्वालिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ फ्रेम रेट फुल को सिलेक्ट कर देंगे और सबसे नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट का, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, ये 0 से 100% तक का प्रोसेस लेता है, तो आप लोग वेट करना। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप सबको एक सेव करने का और एक शेयर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग इस सेव वाले ऑप्शन पर एक बार ऐसे क्लिक कर देना तो आपका जो वीडियो है आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग यहीं से डायरेक्ट कहीं पर शेयर करना चाहते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, कहीं भी, या फिर किसी अपने फ्रेंड के पास व्हाट्सएप से शेयर करना चाहते हो, तो डायरेक्ट शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और यहीं से शेयर कर देना। आई होप दोस्तों कि वीडियो आप सबको काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर आप सबको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके ये जरूर बताना कि वीडियो आप सबको कैसा लगा है। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ही कर देना, जिससे कि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक और अपनी इसी तरह के नई और ट्रेंडिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।